धोखाधड़ी का मामला, दिखाया कुछ और मिला कुछ। एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर एक दूसरे राज्य में आता है व्यापार के लिए कपड़े खरीदने। उसे दिखाया कुछ और जाता है, जब वो घर पहुंचता है तो उसके बस्ते से निकलता है कुछ और ही माल। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन कोलकाता। हम आपको बता दें, एक बहुत ही अद्भुत मामला देखने को मिला। एक व्यक्ति जो के रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसने YouTube पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा मैदान के करीब A1 गारमेंट्स का एक वीडियो देखा, जिसमें उसे अच्छी क्वालिटी की जींस सस्ते दामों में मिल रही है। उसने उस कंपनी से संपर्क की और वो हावड़ा आ पहुंचा। हावड़ा आने के बाद उसने लगभग 22,500 रुपए का जींस खरीदा। खरीदते वक्त उसने सारा माल अच्छा देखा था, फिर उसे कोरियर के जरिया अपने घर भिजवा दिया गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो वहां पे जो माल कोरियर से मिला उसे देखकर वो तंग रह गया, क्योंकि उसने जो A1 के कारखाने में देखा था वो कुछ और था और जो उसके बस्ते से मिला वो कुछ और था। उसके बस्ते में सिर्फ रद्दी और कटे फटे पुराने जींस मिले। इसे देखकर वो बौखला गया और उसने सर पर हाथ रख लिया कि उसने ये क्या कर दिया। उसने तुरंत ही अपने इलाकाई थाने में जाकर A1 गारमेंट्स के खिलाफ कंप्लेन की। मैं आपको बता दूं, ये A1 गारमेंट्स जिनकी इन दिनों YouTube, फेसबुक और दूसरे दीगर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है कि वो सस्ते दामों में लोगों को जींस दे रहे हैं। ये A1 गारमेंट जो के हावड़ा के मैदान के करीब सदर बॉक्सी लेन में मौजूद है, जैसा कि उनके एड्रेस में लिखा हुआ है, मगर इनसे खरीदारी करने के बाद लोग ठगे जा रहे हैं। ये ठगी का कोई नया मामला नहीं। ये व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश का है, इसने अपने मुकामी थाने में इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। मुकामी पुलिस अभी इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। आइए देख लेते हैं ठगे हुए व्यक्ति का क्या कहना है इस मामले को लेकर। देखते रहिए न्यूज लाइन कोलकाता और हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम सज्जन साकेत है, मैं रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। यूट्यूब के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, मैंने देखा कि कोलकाता हावड़ा मैदान के पास शॉप है, वो लॉट का जींस सस्ते दामों पे 80 रुपये के रेट से बेच रहे हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे बात हुई, उन्होंने हमें हावड़ा बुलाया। हावड़ा से बोले कि PC चंद्रा ज्वेलर्स हावड़ा मैदान के पास आप आ जाइए, फ़ोन करिएगा तो हम आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। फिर हम गए, इनको फ़ोन किया और इन्होंने अपना एक आदमी भेजा, वो हमको लेकर के PC चंद्रा ज्वेलर्स के बगल से गली जाती है अंदर ही अंदर, एकदम पीछे लेके गए। वहाँ पर इनका शॉप है, जो लॉट का जीन्स इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे सैंपल भेजा था, वो ब्रांडेड जीन्स के सैंपल थे, अच्छे जीन्स थे। और फिर इन्होंने जो मुझे शॉप पे दिखाया वो भी अच्छे जीन्स थे, ब्रांडेड जीन्स ही थे। तो हमने इनसे 300 जीन्स पैक करने के लिए कहा, इन्होंने हमें 300 जीन्स 75 रुपये के रेट से पैक किया और हमने इनको गूगल पे के माध्यम से पैसा दिया 22,500 रुपये, जो सद्दाम कुरैशी के नाम से जमा हुआ इनके फोन पे गूगल पे में जो भी है। फिर इन्होंने एक टोटो में हमको DTDC कुरियर सेंटर के पास लेके गए, जो हावड़ा मैदान के पास ही है, लेके गए। फिर वहाँ से इन्होंने कुरियर करवाया और हम चले आए। फिर इन्होंने कहा कि हो गया, जाइए, आपका कुरियर पहुंच जाएगा। हम घर आ गए, 11 तारीख को बुक करवाया था, 11/2/2023 को, और 17/2/2023 को मेरे पास यहाँ पहुंचा। हमने उसको खोल के जब देखा तो
उसमें फटे पुराने रद्दी जीन्स पैक हुए थे जो कि किसी काम के नहीं थे, 10 रुपए में भी कोई नहीं लेने वाला ऐसा जीन्स। तो ये लोग इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं सर हमारे साथ, इन्होंने फ्रॉड किया है 22,500 रुपये का, और डेली इनके पास कोई ना कोई पहुंचता ही रहता है इनके, ये लोग डेली का फ्रॉड करते हैं ऐसे।